अरे रहमत भाई, क्या गलती होगी मेरे से? अरे मियां, हम आपको अपनी टैक्सी चलाने नहीं देंगे, क्योंकि आप आदमी नहीं पजामा हो। आप हमारी टैक्सी को ट्रक समझ कर चलाते हो, कभी हमारी टैक्सी को ठोक डालते हो, कभी हमारी टैक्सी का साइड का मिरर तोड़ डालते हो, कभी रास्ते का सिग्नल तोड़ देते हो जुर्माना भरने के लिए। हमें आरटीओ के ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ रहमत भाई, आपसे मिलने कोई आया है। ठीक है, अभी लफड़ा नहीं मांगता, चल जा टैक्सी चला। जी, भेज दो उसको अंदर। जी, आप अंदर जा सकते हैं। कैसे हो रहमत भाई? हाँ बल्लू, बल्लू, बल्लू भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई, अरे मेरा भाई, मेरा भाई, कितनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। कितने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ भैया, एक अरसा गुजर रहा है। अरे चाय बोल, आओ 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 आओ, आओ बैठो। अब बताओ मियां, ये अचानक पूना से यहाँ किसी जरूरी काम से आए हो? नहीं रहमत भाई, उन्हें हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पर क्यों बल्लू भाई? इंसान को उसकी गलतियों की सजा तो मिलती ही है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सजा मिली है। मैं कुछ समझा नहीं। रहमत भाई, तुम तो मुझे शुरू से ही जानते हो कि मैं गुस्से का कितना तेज हुआ करता था। जरा जरा सी बात पे मैं मार पीट कर बैठता था। मनसुख भाई, नमस्ते। नमस्ते। हुसैन भाई, मैं अपनी यूनियन के ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। क्या हुआ मनसुख? वाघमारे और उसके आदमी मुझे मेरी टैक्सी में शराब और गैर कानूनी माल सप्लाई करने के लिए बोलते हैं, और जब मैं मना करता हूँ तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मनसुख भाई, अन टैक्सी में सवारी छोड़ो या शराब, अन क्या फर्क पड़ता हो? अच्छा, इसका मतलब है तुम भी वाघमारे के साथ मिलकर ये गैर कानूनी काम करते हो। मैं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करूंगा। तू पुलिस स्टेशन को जाएगा? हाँ हाँ, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकेगा, स्टॉप करेगा। मैं वाघिया। वाघिया मांझे, वाघ मारे, फॉरगेट मी नॉट। क्या बोला तू? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे डर से पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा? तुझे आइला, टैक्सी का टायर पंचर हो जाए तो चेंज करने के लिए स्टेपनी होती है, लेकिन अगर इस टैक्सी का टायर पंचर हो जाए, मंझे तंगड़ी बंगड़ी टूट जाए, तो कैसे जाएगा? सुना हुसैन भाई, क्या बोल रहा है? मनसुख भाई, तुम शिकायत करने को आले, अनुवाग मारे तुमको सजा देने को। कह रहे क्यों भाई, क्यों मार रहे थे इसे? इससे मैं समझा रहा था। समझा रहे थे? अरे भैया, समझाया तो जुबान से जाता है, इस तरह हाथों से नहीं। वाघ मारे हमेशा हाथों की भाषा समझाता है। ऐसा क्या? अरे बड़े मियां, हाथों की भाषा ये नहीं समझता, मगर मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। क्या बोला तू? अबे चुप। Yeah.
अपना अजय राधा से प्यार करता था? शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से, शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से गाल पे पप्पी दे देना। लाला शादी के बाद रोज सुबह तुम हाथों में, हर शादी के बाद रोज सुबह तुम हाथों में नोटों की थप्पी दे देना। शादी के बाद रोज सुबह तुम प्यार से गाल पे पप्पी दे देना। साहब अपने 40 रुपए तो देके जाओ ना। ओए तुम रुको, हम आते हैं। साहब ज्यादा देर तो नहीं लगेगी। तेरे को बोला ना, अपन आते हैं अभी, चलो रे। क्या बेवड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया।
बताइए, आप लोग तो यहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं। अबे ये दारू का अड्डा है, यहाँ दारू नहीं तो क्या दूध पियेंगे? देखो साहब, आप लोगों को दारू पीना है तो शौक से दारू पी, लेकिन मुझे तो छोड़ दो। तुझे पकड़ा किसने रे? तुझे भाड़ा चाहिए? हाँ जी। ले 10 रुपये। ये ले 20 रुपये। अरे भाई लोगो, जितना मेरा भाड़ा नहीं था उससे ज्यादा आप लोगों ने दे दिया, अब छुट्टा तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा। बहादुर, कितनी बार मना किया तुम्हें बीड़ी पीने से? गलती हो गया शाह। अच्छा हुआ तुमने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। कैसे ताला लगाता शाह? हमको मालूम था शाह आप राधा मेम साहब को छोड़ने को आएगा। और अगर किसी दिन मैं तुम्हारी राधा मेम साहब को छोड़ने नहीं आया तो भी डरने की बात नहीं शाह। राधा मेम साहब आपके साथ रहता है, हम इधर बेफिक्र रहता है। देखा राधा, बहादुर कितनी अकलमंदी की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। क्या तुम कानून को अपने बाप दादा की मिल्कियत समझते हो जो इस तरह आए दिन मारपीट करते फिरते हो? अरे कमाल है इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहा, यानी मैं चोर हूँ? आप मैं अपने मुंह से आपकी ज्यादा तारीफ कैसे करूं इंस्पेक्टर साहब। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि इन लोगों ने काफी देर तक मुझे रोके रखा और खुद अंदर जाके दारू पीने लगे। मैं इनके पास जब गया अपनी टैक्सी का भाड़ा मांगने तो भाड़ा देने के बजाय उल्टा मुझसे मारपीट करने लगे। तो तुम्हें इन्हें इस तरह से मारना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि हमारे पास आके कंप्लेन लिखवाते। ए हजूर, इस वक्त आपको अगर एक थप्पड़ रसीद कर दूं तो आप जवाब देंगे या अपने अफसर के पास जाएंगे कंप्लेन लिखवाने? हाँ मल्लू, तमीज से बात करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मालिक असली मुजरिम मैं नहीं हूँ बल्कि ये लोग हैं। भाभी, आप लोग अभी तक सोए नहीं? अजय, तेरे भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर उन्होंने किसी से झगड़ा कर लिया होगा। भाभी और भैया सुधरेंगे नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन आता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं भाभी, मैं भैया को लेकर अभी आया। ओके, आई कम इन सर। अरे अजय, आओ आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? मैं घर गया था, पता चला भैया यहाँ थाने में है। क्या, तुम्हारा भाई? जी।
कौन है इनमें तुम्हारा भाई? जी उनमें से कोई नहीं, ये है मेरे बड़े भैया। व्हाट? अरे बल्लू टैक्सी ड्राइवर। जी हाँ, मेरे सगे बड़े भैया। सगे बड़े भैया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई में टॉपर है और तुम गुंडागर्दी में। कितनी इज्जत है अजय की कॉलेज में, हमेशा मेरी छोटी बहन अजय की तारीफ करती है। सगा भाई है मेरा। सबक लेना चाहिए तुम्हें। और तुम लोग? सर इन्हें भी मैं जानता हूँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। तुम लोग जा सकते हो। वहां नहीं, आज मैं तुम्हें अजय की वजह से छोड़ रहा हूं बल्लू, लेकिन आइंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अजय ले जाओ इन्हें। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए चलिए। थैंक यू। ओके चलिए, आइए आइए आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस वालों को तो गलत फहमी। रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, सवेरे काम पे भी तो जाना है ना। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं थी भाभी, दरअसल भैया की टैक्सी जिस बुढ़िया से टकराई थी वो जरा जवान थी, पैंट शर्ट पहने हुए थी, एक नहीं चार चार थी। गलती से उन्होंने भैया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। अब आप ही बताइए भाभी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो बुढ़िया को बचाया, उसे घर तक पहुंचाया, और ऊपर से मेरे भैया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। क्यों भैया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुझे नींद आ रही है, तुमको देवर भाभी को जागना तो जागो, मैं सोने जा रहा हूँ। भैया कभी कभी नहीं सुधर सकते। हाँ तो सर, आज आप कौन सा पाठ पढ़ाओगे? बच्चों आज हम आपको नारी के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आज के इस पाठ को आप अच्छी तरह से याद कर लें। हाँ तो ये हैं जुल्फें, शायर इनकी तुलना घटाओं से भी करते हैं। वैसे ये उंगलियां फेंकने पे भी काम आती है। क्यों सर? ओए चुप कर, ओए बात से मिलना, कल में सब कुछ समझा देंगे। ये हैं गाल लाल टमाटर जैसे, मगर ये खाने के लिए नहीं है, पप्पी लेने के काम आते हैं। इन्हें होंठ कहते हैं, यानी के लिप्स। ये वो जगह है जहां आशिक अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता है। मगर सर मुझे कोई मोहर लगाने नहीं देता। अबे चुप, शक्ल कभी देखा है आईने में? और हाँ, इसे कहते हैं कमर। हाँ। सर आप बीच का तो हिस्सा भूल ही गए। ओ बीच का हिस्सा तो मैं कैसे भूल सकता हूं। हाँ तो बीच का हिस्सा है, घंटी बज गई है, प्रोफेसर आने का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। कैसा लगा? क्या लाली थी यार। ओए अजय ब्लैकबोर्ड साफ कर दे जा। देखता क्या है, ब्लैकबोर्ड साफ कर। सिगरेट पी? नो थैंक यू। डरपोक सर। ए देखता क्या है, चल ब्लैकबोर्ड साफ कर। अजय ये क्या हो रहा है? प्लीज टीचर डांटिए, पढ़ाने दीजिए ना। ये हमें बायोलॉजी का वो चैप्टर सिखा रहे हैं जो शायद आपको भी ठीक तरह से पता ना हो। शट अप। मैडम वो मैंने कुछ नहीं। शट अप। मुझे पता चला कि कॉलेज में किसी ने अजय को मारा तो मैं अस्पताल गया। कैसे हुआ ये सब? आ,
मैं पूछता हूँ किसने मारा मुन्ना को? भैया बता किसने मारा मुन्ना को, बताओ। मैं कहता हूँ बताओ तुम। राधा बोलो कौन था वो? विक्की भंडारी। विक्की भंडारी। अरे ये तो अजय का भाई है। अरे फिर तो विक्की आज गया काम से। विकी कौन है? ये सब क्या है? कौन है आप? एक, मैं पूछता हूं क्लास में विकी कौन है, बोल। मैं हूं विकी, बोल क्या बात है? बोल क्या बात है? मांग हराम ज़ादे। सॉरी। ऐसे नहीं ऐसे। मुझे माफ कर दो अजय। भैया जाने दीजिए इसे, आप जानते मुझे ये। देख मुन्ना, तू अपना लेक्चर अपने पास रख, इसने तुझे मारा है, मेरी बहू को हाथ लगाया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। लेकिन ये माफी मांग चुका है, जाने दीजिए इसे। ऐसे नहीं, अभी तो इसे राधा से भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये राधा मेरी बहू भी है और मेरी बेटी भी, तूने इसे हाथ लगाया, चल इसे माफी मांग। भैया तुम चुप रहो बहू, माफी मांग दे, मांग। मुझे माफ कर दो राधा। आज के बाद इन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? चल भाग यहां से, भाग। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, मार तो मैं भी सकता था। झगड़े से दुश्मनी कम नहीं होती, झगड़े से दुश्मनी बढ़ती है। हरामजादे, किसने मारा मेरे बेटे को? जबान कट गई या बहरा हो गया, मैं पूछता हूं कि किसने मारा मेरे बेटे को? बलू नाम है उसका साहेब, टैक्सी चलाओ। तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को मारा? गोली क्यों नहीं मारती हरामजादे को? भाग मारे, मैंने अपने बेटे को इसलिए यहां छोड़ा था कि तुम यहां हो तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। आप फिक्र मत करो साहेब, देखा है माजी पुरानी दुश्मनी आए। अब उसकी दुश्मनी मुझसे हो गई है, मुझसे।
मैं उसे दुश्मनी के सारे तौर तरीके सिखाऊंगा। मेरे बेटे के जिस्म को उसने जख्म दिए हैं, मैं उसे ऐसा जख्म दूंगा जो नासूर बन जाएगा। सारी जिंदगी तड़पता रहेगा, मौत की दुआएं मांगेगा, लेकिन ना उसे मौत मिलेगी ना जिंदगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु एकदशवां मरुतः पृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदथे कृतिर्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थरैरङ्गै। शादी सम्पन्न हुई, अब आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। अजय कहाँ रह गया? आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? जाइए अजय को भेजिए। जब तक बहू अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। पहले उसकी शक्ल उसका पति देखेगा, आप नहीं। जाइए, जाकर भेजिए ना अजय को। मेरे भैया की टैक्सी क्यों चला रहे हो? मैं दुल्हन की शक्ल देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बल्लू भाई। कौन है बे? अरे बल्लू भाई जल्दी आओ। जाइए, जाकर देखिए क्यों बुला रहे हैं। उफ। बल्लू भाई क्या हुआ? बल्लू भाई, विक्की भंडारी के आदमी आए, उन्होंने आपकी टैक्सी में आग लगा दी। टैक्सी में आग लगा दी? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। तुम ये बात अजय को मत बताना। लेकिन अजय को तो पता चल चुका है, वो उधर ही गया है। अजय क्यों कर रहे हैं सब? उन्होंने मेरे अजय को मार डाला, शादी की खुशी को पल भर में मातम बदल डाला। मैं पागल होकर विकी भंडारी के घर पहुंच गया। राम राम भंडारी साहेब। वाग्या मंजे वाग मारे बोल तो। कुछ करा भंडारी साहेब, कुछ करा। पुलिस मुझे और विकी को ढूंढ रही है, मर्डर का मामला है साहेब। कुछ नहीं होगा वाग मारे, तुम मेरी पहुंच से वाकिफ नहीं हो। मेरे होते हुए तुम दोनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साहेब, आपकी पहचान तो मुंबई में है, ये पूना है, और पूना की पुलिस को चुना लगाना इतना आसान नहीं है। सबको ईमानदारी की बीमारी लगी हुई है। दौलत हर बीमारी का इलाज जानती है वागमारे। हाँ, लेकिन इस वक्त विकी का पूना में रहना ठीक नहीं है, उसे बोलो ये फौरन मुंबई आ जाए। फॉरगेट मी नॉट साहेब, वाग्या मांझे वागमारे, मांझे का होनार। ऐसा करो, तुम भी विकी के साथ मुंबई आ जाओ। ओके साहिब, ओके। वाग्या मंजे वाग मारे, कायजाला भंडारी साहब ने फौरन पुणे से मुंबई बुलाया है। अब तुम लोग पुणे से बंबई नहीं बल्कि दुनिया से चले जाओगे। दुनिया से तो तू जाएगा हरामजादे, अपने भाई के पास, मारा साले को। तेरी
गुनाहों की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी, उसकी पत्नी राधा को भुगतनी पड़ी। वो अभी अपनी सुहागरात भी नहीं मना पाई थी कि उसे विधवा हो जाना पड़ा। आज भी मैं उसकी सुनी मांग को देखता हूं तो अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस करता हूं, बहुत गुनहगार। बल्लू भाई, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, उसके आगे हम सब इंसान बेबस हैं। अच्छा बल्लू भाई, ये बताओ राधा और भाभी कहाँ है? मैं उन्हें स्टेशन पे वेटिंग रूम में छोड़ के आया हूं। बल्लू भाई, आज तो तुमने अपने दोस्त रहमत भाई को पराया कर दिया। मेरे रहते हुए वो दोनों रेलवे स्टेशन पर। अभी उठो और इसी वक्त उनको यहां पर लेकर आओ। वो तो ठीक है रहमत भाई, मगर पहले उनके रहने वगैरह का इंतजाम हो जाता तो। बल्लू भाई, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। और काम कब है? पूना में तुम अपनी टैक्सी चलाते थे, यहां पर रहमत भाई की चलाओगे। रहमत भाई, तुम वाकई देवता स्वरूप हो। जल्दी कराओ, पेटी बंद करने का जास्ती टाइम नहीं है। चलो जल्दी चलो। अरे चलो, चलते रहो ना, खड़े मत रहो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो चलते रहो ना। ए अरे, ये क्या नाटक हो रहा है? ए तू रहमत भाई का नया ड्राइवर है ना? हाँ। तो मुंह क्या देखता है, इधर आके पैसे डाल। हाय देखो छटंकी को। क्यों बे बुटकू, काहे डालूं पैसे? हमरे खून पसीने की कमाई है। बुटकू, अबे तेरे को रहमत भाई ने समझाया नहीं क्या? चल जल्दी पैसे डाल, नहीं तो ना खून रहेगा ना पसीना। बाबू, वो रहमत भाई का नया ड्राइवर जो बस्ती में नया आया है, वो हफ्ता देने से मना कर रहा है और अपने आदमी को मार रहा है। इसका नाम बाबू, शक्ल बिल्कुल अजय से मिलती, इसीलिए हमने इस पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन हमारा अजय एक नंबर का शरीफ और ये एक नंबर का गुंडा। यह जू स्कीम का नक्शा है, मुंबई का सबसे महंगा इलाका। आज जुहू की हर जमीन का टुकड़ा है, सोना उगल रहा है। हमें एक ऐसी जमीन की तलाश है जो हमारे लिए सोना उगले। ये जो प्लॉट देख रहे हो ना, ये प्लॉट आज इस प्लॉट की नीलामी है। अगर यह प्लॉट हमें मिल जाए तो हम इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है डैड? है सूर्यप्रकाश बिल्डर, उस हरामजादे की नजर भी इसी प्लॉट पर है। उसने मुझे चैलेंज किया है कि यह प्लॉट वही खरीदेगा। मिस्टर मेहता। यस सर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के साथ जो मीटिंग थी उसे आज कैंसिल करवा दो। यस सर। देखो मेहता, कल्याण वाली साइट पर इंस्पेक्शन के लिए मिस्टर मल्होत्रा को भेज देना। यस सर। मैं जुहू वाले प्लॉट के ऑक्शन में जा रहा हूं, कोई खास बात हो तो मुझे वहां कांटेक्ट कर लेना। यस सर। तुम्हें बोला शेठ, उड़ा डालूं क्या? नहीं वागमारे, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। हा? ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कैसे हो भंडारी सेठ? आओ आओ बाबू, हम तुम्हें याद कर रहे थे। और अपन शैतान की तरह आ गया। डैड, ये तो बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे नहीं बेटे, ये तो हमारा शेर है बाबू। हमारे धंधे में जब भी कोई रुकावट आती है ना, तो रुकावट यही दूर करता है। और बाबू, यह है मेरा बेटा विकी
और यह है चमचा। क्या अपुन को तेरे फैमिली का जन्म कुंडली नहीं चाहिए, काम की बात कर। बाबू आज जुहू में एक प्लॉट की नीलामी है। ठीक है, नीलामी नहीं होगी। अरे नहीं 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 बाबू, नीलामी होने दो। नीलामी अगर नहीं होगी तो फिर मेरा काम कैसे होगा? मैं उस प्लॉट को लेना चाहता हूँ बाबू। तू अपुन से क्या चाहता है वो बता, अखा रामायण सुनाने की जरूरत नहीं। सूरज प्रकाश भी उस नीलामी में भाग ले रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो उस नीलामी में भाग ना ले। नहीं लेगा। और कुछ? कुछ नहीं। कीमत बोल। 5 लाख। ठीक है, काम हो जाएगा। एडवांस ये लो 2 लाख, लेकिन ये प्लॉट सूरज प्रकाश को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। आवाज नहीं, क्योंकि आवाज न मुझे पसंद है न मेरे रिवॉल्वर को। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अपने ड्राइवर को आवाज मत देना, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तुम चाहते क्या? सुना है तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, तुम्हारे कीमती वक्त से कुछ टाइम चुराना चाहता हूं। और हां, दोस्त बन के चलना है, समझे या समझाना पड़ेगा। ये हुई ना बात। चलो देखो, तुम जो भी हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा बुरा अपुन कुछ नहीं जानता है, अपुन तो सिर्फ इतना जानता है कि जिस काम के लिए अपुन को पैसा मिलता है वही काम अच्छा है। देखो इस वक्त मेरा नीलामी में पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वक्त तुम्हारा अपुन के साथ आना बहुत जरूरी है। तुम्हें मुझे रोकने के लिए जितने पैसे मिले हैं मैं तुम्हें दुगना देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते तुम मुझे छोड़ दो। सेठ अपुन बेईमानी का धंधा जरूर करता है, लेकिन बेईमानी भी ईमानदारी के साथ करता है, समझा? देखो भाई होता है ऐसा। हाँ मुखाशक कर रहा। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि मैंने फिर कहीं झगड़ा किया है ना? आप ना? हालत बता रही भैया, आप क्यों ऐसा करते हैं? पहला ही ग्राहक ऐसा मिला जिसे फ्री में छोड़ना पड़ा। ये क्या है? क्या भैया, आप भी सुबह सुबह मजाक करते हैं, आप नहीं जानते ये शराब है शराब। आज से मैंने डिसाइड किया है कि हर रोज हम सब इस घर में चाय नहीं शराब पिएंगे। क्यों भाभी? चलो 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 हम सब पीते हैं, पहले डैडी को देता हूँ। क्या बकवास है ये? अबे सो गया क्या? मुझे अपने भाई की याद आ गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा भैया। अबे वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, हमें अभी इस दुनिया से भगाना चाहता है क्या? है साला खुद भी मरेगा और अपन को भी मरवाएगा। गाड़ी ठीक से चला, चल जल्दी।
सेठ, आज अपन तुझे मर्ड आइलैंड का किला दिखा कर लाता है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे चल। अरे भैया मैं जाऊं? तू अपन का इधर इंतजार कर, अपन सेठ को किला दिखाकर अभी आता है। चल चल यार। बोली 30 करोड़ से शुरू होगी, तो लगाइए बोली। 35 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़। एक चालीस करोड़ एक 40 करोड़ दो 50 करोड़ 1 50 करोड़ 2 50 करोड़ 3। सर अभी तू जा सकता है, बहुत जो रास्ता है ना, शॉर्टकट है, निकल जा फटाफट। लेकिन मैं देख सेठ, तेरे को इधर लाना अपुन का काम था, समझा? वापस ले जाना अपुन का काम नहीं। चलो। लेकिन साहब वो उनका आज पैदल चलने का मूड है, तुम चलो चलो जल्दी। अरे रहने दो भैया। काय को रहने दो, अपुन ना कोई काम फोकट में करता है ना करवाता है, समझे? अरे भैया तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुमसे क्या पैसे लेने? ए दोबारा ऐसा नहीं बोलने का, अपुन से रिश्तेदारी नहीं बढ़ाने का। क्या अपुन तेरे जैसे आदमी को सब समझता है, भाई बोल के घुस आता है? अपुन दूसरा भाई है, मुंबई की भाषा में भाई का मतलब समझता है ना, दादा, समझा या फिर समझाओ? मुंबई की भाषा में भाई का मतलब दादा होता है या बाप, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी नजरों में भाई का मतलब सिर्फ भाई होता है। खैर तुम इसे नहीं समझोगे। ए आप उनको समझाने का भी नहीं क्या? चल ये ले पैसे। बाबू और अजय इतने हमशक्ल, वारे प्रभु तेरी लीला। आप चिंता मत कीजिए सूर्य प्रकाश जी, बस एक बार वो टैक्सी ड्राइवर बाबू को पहचान ले, फिर मैं बाबू की वो हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यही मैं चाहता हूं इंस्पेक्टर, वरना वो फिर ऐसा करेगा। मैं आपकी बात समझता हूं, यकीन रखिए उसे सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। यही वो टैक्सी ड्राइवर। यही है? हाँ यही है। टैक्सी MH04-3271 कल तुम ही चला रहे थे जी, इन्हें पहचानते हो? जी हाँ, कल ये मेरी टैक्सी में मर्ड आइलैंड गए थे एक आदमी के साथ। गुड,
तो जो आदमी कल इनके साथ था उसे तुम पहचान लोगे? शायद, देखकर पहचान सकता हूं। ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या यही वो आदमी है? आदमी नहीं है साहब। तुम झूठ बोलते हो, यही है वो आदमी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब, ये वो आदमी नहीं है तो जबरदस्ती हां कैसे कह दो? तुमने अच्छी तरह से पहचाना इसे? बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ओके, तुम जा सकते हो। कीजिए इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी। हो सकता है, मगर जबरदस्ती हम उस ड्राइवर से हाथों नहीं करा सकते। भाई जान साहब, आज तो तुम बच गए। बाबू, हर मुजरिम खुद को बहुत चालाक समझता है, मगर एक बात याद रखना, माना कि जुर्म के जूतों की आवाज नहीं होती, मगर कभी कभी उन जूतों के निशान जमीन पर रह जाते हैं, और वो दिन उस मुजरिम का आखिरी दिन होता है। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं साहब, आपकी नसीहत हमेशा याद रखेगा, कभी आप उनके जूते के निशान नहीं छोड़ेगा। चलो साहब, सलाम। वेल डन बाबू, वेल डन। अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई, तुम्हारी बदौलत 75 करोड़ का प्लॉट हमें 50 करोड़ में मिला है। बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश। देखा, मैंने कहा था ना कि बाबू बहुत काम की चीज है। हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना बाबू के बाएं हाथ का खेल है। बाबू तुम देखना, इस प्लॉट के जरिए हम करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। सर, तुम उस प्लॉट से क्या कमाते हो क्या नहीं, या अपुन का हेडेक नहीं? तुमने काम बताया, अपुन ने किया, अब माल निकालो। अरे भाई, माल तो मिल जाएगा बाबू, माल कहां जाएगा, भंडारी अपनी जबान का बहुत पक्का है। हाँ, ये लो चखो, बहुत महंगी शराब है। सर, तू जानता है अपुन किसी के साथ नहीं पीता है, शहर के माफिक अकेला घूमता है, अकेला काम करता है, अकेला पीता है। टाइम खोटी मत कर, चल माल निकाल। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, जिस बात से तुम खुश उसी में हम खुश। चलो, देखा रतन, नाक कटवा दी रहमत भाई की। अरे मैं इधर बकवास किए जा रहा हूँ और एक तू है कि गाड़ी पे कपड़ा मारे जा रहा है। अरे मैं तुझसे पूछूं कि तू बाबू से डरता क्यों है? अरे करना क्या था, अरे एक छोटा सा काम ही तो करना था, अरे सिर्फ हाँ ही तो भरनी थी, और बाकी का काम तो पुलिस कर लेती, जाता साला 2-4 साल के लिए अंदर। अरे कम से कम मोहल्ले वाले चैन की सांस तो ले लेते, इतना अच्छा मौका निकाल दिया हाथ से। अरे अगर मैं तेरी जगह होता ना, आंखें बंद करके हाँ बोल देता। अरे क्या मैं डरता हूँ बाबू से? भाई बाबू, क्या बाबू बाबू बाबू, अभी मैं क्या बोला इसको, क्या बोला कि मैं बाबू से डर? अरे बाबू से क्यों डरना, बाबू क्या डरने की चीज है? अरे ये तो हमारे मोहल्ले का हीरा है, हीरा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तूने इसको पहचाना नहीं। माशाल्लाह, वो क्या कहते हैं, चांद को देखा, सूरज को देखा, सबको देखा। कि बाबू भाई को चमचा गिरी बिल्कुल पसंद नहीं। अमा मिया, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इनको पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो ये टैक्सी मैं तुमसे छीन लेता। अरे 4 लाख डबल मलाई मार के जल्दी लाओ। अरे मेरे अनमोल रतन, अमा मिया कुर्सी वर्सी तो लाओ। चुप, जास्ती का मस्का नहीं क्या? तू जानता है अपन किसी का चाय वाय नहीं पीता, और तुम
अच्छा हुआ तूने अपुन को पुलिस स्टेशन में नहीं पहचाना। अगर पहचान भी लेता ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल अंदर घूम के चले आता, लेकिन जिस दिन भी बाहर निकलता, तेरी वो हालत करता कि अंतिम संस्कार के लिए तेरे जिस्म में हड्डी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। समझा? ए बाबू, तो क्या समझता है मैंने तेरे डर की वजह से तुझे नहीं पहचाना? देख, ये तेरी गलत फहमी है। मैंने तुझे क्यों बचाया तू नहीं समझेगा। मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूं बाबू, इसलिए कहता हूं। क्यों करता है ये सब? ये गुंडा गर्दी का गोरख धंधा बंद कर दे, मेरी मान छोड़ दे ये सब। ए, भाषण नए पॉलिटिशियन के माफिक भाषण नए। तूने अपुन का जान बचाया, इसका मतलब यह नहीं कि अपुन तेरा भाषण सुनेगा। समझा या फिर समझाओ? नहीं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए मियां, समझ गए। मियां, तुम उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे थे? अरे वो साला ठहरा गुंडा मवाली। रहमत भाई, हर इंसान के सीने में दिल होता है जो उसे अच्छे और बुरे का एहसास कराता है। बाबू अपना दिल का बुरा नहीं है, उसे प्यार और अपनापन मिले तो जरूर सुधर सकता है। आमा, तुमने बम्बई को सुधारने का ठेका ले रखा है, बड़ा आया सुधारने वाला। आमा, तुम टैक्सी ड्राइवर हो, टैक्सी ही चलाओ, ये सोशल वर्किंग छोड़ दो। रहमत भाई, देख लिया, मैं भाषण दे रहा हूँ, पान पान कर लिया, चल खा लेता हूँ, मेरा क्या है? सारे गुंडे मोहल्ले हमारे इलाके में आ गए, अरे काम को जा रहा मेरा टप्पा। किसको खलास करने का है? बाबू। बाबू को? वो धारावी वाला? हाँ, वही धारावी वाला। वो साला बहुत डेंजरस आदमी है। एक लाख सेठ, अपुन को तो तू 2 लाख। तू हमको मरवाएगा सेठ। 3 लाख। 3 लाख? अरे इसमें तो हाथ भी नहीं उठेगा। ये रहा 1 लाख और। 4 लाख? अरे इसमें तो मैं अपने बाप को भी मार देगा। सेठ, समझ ले तेरा काम हो गया। बिरजू। यस बॉस। देख इस वक्त बाबू कहाँ है। साहब, कैसा है मेरा भाई? धीरज रखो, ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं। बदन से काफी खून बह चुका है। अगर खून का बंदोबस्त जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे खून की एक एक बूंद निचोड़ लीजिए, लेकिन मेरे भाई को किसी भी कीमत पर बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए उसे। आई होप तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच कर। जरूर मैच करेगा डॉक्टर साहब। आओ मेरे साथ। Thank you.
घबराने की जरूरत नहीं, अब ये खतरे से बाहर है, सुबह तक होश आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम घर जाकर आराम करो। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी चिंता मत करो, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और फिर तुमने खून भी तो दिया है। जाओ पेशेंट को कमरे में ले जाओ। अबे और राजू कहां मर गया बे तू? बाबू ये ले। अबे ये क्या है? दूध है। किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अबे साले पागल तो नहीं हो गया? तू जानता है अपन दूध नहीं पीता, जा बोतल ले आ जा। डॉक्टर ने मना किया है, अब दो चार दिन तक शराब नहीं दूध पियो। अबे शाणे दूध के बच्चे, एक हाथ मारूंगा ना जमीन में धस जाएगा, जा दारू ले आ जा। हैं? देख क्या रहा है बे? हैं? जाना दारू ले आना। अबे ला जल्दी ला। तुझे पता नहीं कि ऐसी हालत में दारू जहर है? चलो दूध पी लो। अबे ओ, तूने अपुन का जान बचाया इसलिए अपुन तेरा इज्जत करता है क्या? चल बोतल ला। तू मेरी इज्जत करता है ना? हाँ तो चल इसी बात पे दूध पी ले। तू दूध? पता नहीं सुबह सुबह कहां से आ गया। ए ज्यादा बात नहीं, दूध पी लो, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, चल पी लो, पीना, गुड बॉय, पी लो। हाँ ये हुई ना बात, शाबाश मुन्ना। ए आप उनका मुन्ना उन्ना नहीं बोलने का? क्यों, उसमें क्या बुराई है? तू मेरे छोटे भाई जैसा ही है ना। बकवास ना है। ए, तू क्या मुंह देख रहा है, चल फोट। क्या बाप, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बेजा ना। और हाँ, उस रात जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया था उनमें से किसी को पहचानते हो क्या? देख मुन्ना, जो हो गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। नहीं अपुन कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। देख मेरे भाई, इस खून खराबे और मारपीट में कुछ नहीं रखा, इसका अंत हमेशा बुरा होता है। कभी कभी इंसान को अपने ही गुनाह की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि तमाम उम्र उसके ही आंसुओं में डूब जाती है। अबे ओए, लगता है तू पॉलिटिशियन है, हैं? बार बार भाषण जो देते रहता है, कभी भाई बुलाता है कभी मुन्ना बुलाता है, साफ साफ बता तो उन लोगों में से किसी को जानता है कि नहीं? नहीं बाबू से बचकर गुलाब किधर जाएगा, अपन उन लोगों को खुद ढूंढ लेगा। दारू पीने वाला अंग्रेजी दारू पीने लग गया, लगता है काफी माल हाथ लगा है। बड़ी बुरी चीज है ये दारू, पीने से नशा हो जाता है और नशे में कोई भी किसी को मार सकता है। क्यों टोने, कैसी बात कर रहा है तू? गलत तो नहीं कहा, तूने भी तो अब उनका नशे में मारा था। Yeah.
नहीं नहीं बाबू नहीं नहीं नहीं। सुना है शराब पेट्रोल के माफिक काम करता है? आज आजमाता हूं कि पेट्रोल जल्दी आग पकड़ता है या शराब। नहीं नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं नहीं बाबू बाबू नहीं नहीं। बता मुझे मारने के लिए तुझे किसने पैसे दिए? नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं नहीं बाबू। बता। सूरज प्रकाश बाबू सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, जितने टुकड़े इसके हुए ना उतने ही टुकड़े मैं तेरे जिस्म के कर दूंगा और हर टुकड़ा तेरा उन कुत्तों को खिला दूंगा जो तुमने मुझे मारने के लिए भेजे थे। मुझसे गलती हो गई बाबू, मुझे माफ कर दो। माफी? यह लफ्ज बाबू के डिक्शनरी में है ही नहीं। गलती तूने की है, सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। नहीं, नहीं बाबू नहीं। बहुत बिल्डिंगें बनाई है ना तूने? नहीं बाबू। मगर आज तेरी जिंदगी की बिल्डिंग अपुन गिराएगा। नहीं। नहीं। मेरे पापा को मत मारो। इन्हें मत मारो भैया, इस मासूम पर तरस खाओ, इसके सर से पाप का साया मत छीनो, छोड़ दो इन्हें। मैं नहीं चाहता कि तेरी बीवी विधवा हो जाए और तेरे बच्चे यतीम। लाख अपुन पे हमला करने का जुर्माना, याद रख अगली बार गलती की तो जुर्माने में रुपए नहीं तेरी जान लेकर जाऊंगा, समझा? कौन है भाई? मुझे नींद आ रही है, तुमको देवर भाभी को जागना, जागो। मैं सोने जा रहा हूं। भैया कभी नहीं सुधर सकते। ये मेरी बीवी शांति है और ये है बाबू अपना मुन्ना। बैठो ना। अपन यहां बैठने नहीं आया, तुम्हारा एहसान चुकाने आया हूं। कैसा एहसान? तुमने अपुन का जान बचाया, अपुन को खून दिया, ये रही उसकी कीमत।
2,00,000 रुपए, एहसान खत्म। और हाँ, आज के बाद अपन को मुन्ना मुन्ना मत बुलाना, समझा? तुम उस खून की कीमत चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हें दिया, तुम उस एहसान की कीमत चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पे किया। मेरे साथ, मैं बताता हूं कि मैंने तुम्हें अपना खून क्यों दिया था, तुम्हारी जान क्यों बचाई थी। आओ मेरे साथ, देख देख। इसे देख, मेरा छोटा भाई, मेरा मुन्ना, जिसे वक्त के बेरहम हाथों ने मुझसे छीन लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा लोगों से मारपीट किया करता था, और मेरा छोटा भाई मुन्ना मुझे हमेशा मना करता था कि भैया मत करो ये सब, मारपीट का अंत हमेशा बुरा होता है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं, और जब तक समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था, मेरी गलतियां मेरे भाई को निकल गई, और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। राधा को देखा तुमने? कौन है वो? मेरे अजय की बीवी, ऐसी बदनसीब बीवी जो सुहागन होते ही विधवा हो गई। वो तो सुहागरात भी मना ना सकी कि उसके पहले उसके हाथों की चूड़ियां टूट गई, उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा था कि उसे सफेद साड़ी पहना दी गई। भैया, गुंडे मवाली से आप मेरे अजय की बराबरी कर रहे हैं? कहां ये गुंडा मवाली और कहां मेरा अजय? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ऐसे आदमी से आप अजय की बराबरी करके उसका अपमान कर रहे हैं, मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं, अजय का अपमान कर रहे हैं। ये सब सुन के अजय की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा भैया, कितना दुख पहुंचा होगा। यूं समझो बेटी, तुम्हारे हाथों की चाय पीने के लालच में मैं यहाँ पर आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही का घर है, रोज आइए। क्या करूं बेटी, इस दुनिया के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब से बल्लू यहाँ पर आया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आ गया है। क्या बात कर रहे हैं रहमत भाई, ये तो आपका प्यार है जो आप ऐसा समझते हैं। दरअसल मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ जो आपकी सरपरस्ती मिली। बहू नजर नहीं आ रही, मंदिर गई है, आती ही होगी। हाँ फिर तो मैं चाय का शाट तक। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, कुछ गुंडे उसे जबरदस्ती उठा ले जा रहे थे, दहशत से बेहोश हो गई है।
कौन थे वो लोग? मैं उन हरामजादों को। विकी भंडारी, विकी भंडारी, तुम जानते हो उसे? मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? आज अगर राधा विधवा हुई हो तो सिर्फ विकी भंडारी की वजह से। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। पहले इस झगड़े की बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी। ठीक है, कानून से सजा तो दिलवा सकते हैं। तुम नहीं जानते भंडारी कितना ताकतवर है। वो ऐसा तूफान है जिसके सामने तुम्हारी हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं है। फर्नूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अमा मियां, खुदा अगर छोटे से तिनके की हिफाजत करने का फैसला कर ले तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसको हिला नहीं सकता। बल्लू, तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे अमा मियां, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राधा तुम्हारी बहू नहीं, मेरी भी बेटी है। भंडारी की तो मैं इंट से इंट बजा दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी टैक्सियां गैरा सब कुछ क्यों ना भेजना पड़े, उस नामाकुल को तो मैं अंदर करा कर रहूंगा। कांटा तलवार से नहीं निकाला जाता रहमत भाई, कांटा कांटे से निकलता है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं भंडारी को संभाल लूंगा। हिम्मत के तूने मेरे बेटे को मारा। अरे मैंने आज तक उसे डांटा नहीं और तूने उसे मारा, वो भी एक लौंडिया के लिए। क्या चक्कर है तेरा उससे? क्या लगती है वो तेरी? कुछ नहीं। तो फिर तूने उसके लिए मेरे बेटे से झगड़ा क्यों किया? बल्लू से क्या रिश्तेदारी है तेरी? मैं खुद नहीं जानता। तो फिर ऐसी क्या बात थी, तू बीच में पड़ा क्यों? मैं सचमुच नहीं जानता। जब विकी उसे उठाकर ले जा रहा था, वो चीख रही थी। उसकी चीखें सुनकर मैं मजबूर हो गया, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा, मुझे उस पर दया आ गई। दया? ये मैं क्या सुन रहा हूं बाबू? तेरे दिल में दया? तेरी बातों से इंसानियत की बू आ रही है, पिघल रहा है तू। ये मत भूल कि ये सारा शहर तेरे आगे सर इसलिए झुकाता है क्योंकि तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, दया नहीं है तेरे सीने में। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस मामले में नहीं पड़ना। और सुन, अपनी आंख और अपने कान बंद रखना। ना तुम्हें उस लड़की की चीख सुनाई देगी और ना तुम्हें उसकी इज्जत लुटती दिखाई देगी और ना ही तुम्हें बल्लू की बर्बादी दिखाई देगी। बल्लू, अब मैं देखता हूं कि तुझे इस शहर में मेरे कहर से कौन बचाता। मैं उन गुंडों से बिल्कुल नहीं डरता और ना ही मुझे अपनी जान की फिक्र है रहमत भाई। लेकिन हां, कभी कभी अपने परिवार के बारे में सोचकर जरूर परेशान हो जाता हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, इन्हें कौन सहारा देगा। तुम घबराओ मत बल्लू, मैं तुम्हारे साथ हूं। रहमत भाई के होते हुए तुम्हारे परिवार पर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। बल्लू बाबू, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। बोलो बाबू। मेरी बात मानोगे? तुम कह के तो देखो मेरे भाई। तुम यह शहर छोड़ दो, अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? ठीक कह रहा हूं, तुम भंडारी से वाकिफ नहीं हो, वो कुछ भी कर सकता है। बाबू, तुम चाहते हो कि उसके खौफ से मूंछी पाकर कहीं और चला जाए। अमा अगर इसकी मौत आई है तो कोई नहीं बचा सकता, और अगर नहीं आई है तो एक भंडारी तो क्या हजारों भंडारी भी इसे नहीं मार सकते। उफ़, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसे काफी गुंडे पाल रखे हैं। तुम्हें हम लोगों के लिए क्यों फिक्र हो रही है?
इसलिए कि बल्लू ने एक दिन मेरी जान बचाई थी। वो एहसान तो तुमने चुका दिया बाबू, राधा को बचाकर। भाभी आप ही ने समझाइए। सुनिए बाबू ठीक कह रहा है, और जब पूना छोड़ दिया तो मुंबई क्यों नहीं छोड़ सकते? नहीं शांति, जिंदगी से डर के भागना मैंने सिखा ही नहीं। इज्जत से मर जाऊंगा लेकिन डर के भागूंगा नहीं। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा बाबू, यही मेरे लिए बहुत है। इस शहर में कोई तो है जिसे मेरी इतनी फिक्र है। बाबू बल्लू इस शहर में अकेला नहीं है, मैं हूं इसके साथ, रहमत भाई है इसके साथ, मेरे आदमी है इसके साथ। कोई नहीं बचा सकता इसे, न तुम न तुम्हारे आदमी। समझाओ इसे, मैं इसके शहर से जाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तुम्हारी राय का बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, लेकिन मैं ये शहर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो भाड़ में जाओ, मुझे समझाना था तो मैंने समझा दिया। तुम्हें जाना या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम लगते क्या हो मेरे, मरो या जियो? हाँ भाई क्या हुआ उस जमीन का? अंकल वो वर्षों वाली जमीन तो हमने जोर जबरदस्ती करके खाली करवा ली, लेकिन उस पर आप क्या काम शुरू करवा रहे? वहां पर 10-10 मंजिल की 10 बिल्डिंगें बना के बेच दो। लेकिन अंकल हमारे पास तो वहां पर सिर्फ 5 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन है, फिर 10 मंजिला इमारत हम कैसे खड़ी कर सकते? देखो हमें सिर्फ अपना फायदा देखना है, हम बिल्डिंग बना के बेच देंगे, उसके बाद में बीएमसी ऊपर की 5 मंजिल गिराए या रखे, हमें क्या लेना है यार। यू आर राइट अंकल। हाँ बाबू पर आपकी सलाह का कोई असर नहीं पड़ा। क्या मतलब? मैं उसी के पीछे गया था, आपने उससे बल्लू से मिलने के लिए मना किया था और वो यहाँ से सीधा बल्लू के घर गया। भंडारी साहब ये बाबू आपले असाठी खतरनाक होता जा रहा है। ठीक कहते हो तुम, पालतू शेर अगर खतरनाक हो जाए तो उसे पालते नहीं गोली मार देते। अबे मुंह क्या देख रहा है? देख रहा हूँ मेरा उस्ताद कितना अच्छा आदमी है। उस्ताद एक बात कहूँ, मूछ कटवा कर तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा अब तुम शादी कर लो। अपन से कौन शादी करेगा रे? हैं अपना पास रिकॉर्ड इतना खराब है कि उसे साफ करते करते अपन बूढ़ा हो जाएगा। उस्ताद जब से तुम सुधरा है बात भी अच्छी करने लगे हो। वैसे राधा भाभी कैसी है? चुप है भाभी कैसे हुई? लो कमाल है, तुम भैया हो तो वो भाभी नहीं होगी। एक दूंगा तो सीधा हो जाएगा। इसका मतलब गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? तुम्हें प्यार की बीमारी हो गई है। तेरी तो धम धमा धम चिं चिंचू धम धमा धम चिं चिंचू मैं हूं लोहा चुंबक तू धम धमा धम चिं चिंचू धम धमा धम चिं चिंचू धम धमा धम चिं चिंचू मैं हूं लोहा चुंबक तू क्या सिमट ना झकना पास आके यूं निपटना क्या सिमटना क्या झकना पास आके यूं निपटना सरक कर ले बंटो धम धमा धम चिं चिं चू धम धमा धम चिं चिं चू तू लो हूं मैं तुम बखू
बाबू के चेहरे पे किसने एसिड फेंक दिया। बाबू का चेहरा पूरी तरह से जल गया है। Injection. It worked. Thank God. Doctor sir. अभी बाबू कैसा है? भगवान ने बाबू की जान तो बचा दी, लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहब? उनका चेहरा इतना ज्यादा जल चुका है कि वो अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाएंगे। Excuse me, मैं अभी आता हूं। भगवान का शुक्र है बाबू की जान तो बच गई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबू की जान भंडारी ने लेने की कोशिश की है। अगर भंडारी को पता चल जाएगा कि बाबू जिंदा है वो तो उसको दोबारा मारने की कोशिश करेगा ना। हाँ, एक बार बाबू ठीक हो जाए उसे मैं लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं अपने भाई को खो चुका हूं, अब मैं बाबू को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसी चीज आ गई है कि किसी भी आदमी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब बाबू पहले जैसा दिखने लगेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन लेकिन क्या? उसका खर्च 20 लाख रुपए होगा। 20 लाख? इतना पैसा हम कहां से लाएंगे डॉक्टर साहब? पैसा मैं दूंगा। पैसों की जरा भी फिक्र ना करें। गुड, तो मुझे आप इसकी एक तस्वीर दे दीजिए। तस्वीर मैं दूंगा आपको। प्रकाशी, बाबू ने आपको किडनैप किया था जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई थी, फिर भी आप बाबू की मदद करना चाहते हैं, क्यों? वो इसलिए कि भंडारी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने बाबू को मेरे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अब मैं उसी हथियार से उसे मार दूंगा। लेकिन प्रकाश बाबू, भंडारी को पता नहीं चलना चाहिए कि बाबू अभी तक जिंदा है, नहीं तो आप तो उस कमीने को जानते हैं ना, आप समझ गए ना। बाबू को तो तुम भी नहीं पहचान पाओगे तो भंडारी क्या पहचानेगा। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं बाबू को बाबू का नहीं एक नया चेहरा देना चाहता हूं। किसका? भंडारी के छोटे बेटे मोंटी। मोंटी? मोंटी? देखिए खान साहब, अगर कल तक पेमेंट नहीं आई तो मैं कंसाइनमेंट नहीं भेजूंगा। और हाँ, वाघमारे को आपके पास भेज दूंगा। और वाघमारे सिर्फ वाघ ही नहीं मारता, इंसान भी मारता है। हाँ, कल तक पेमेंट आ जानी चाहिए। ओके, फाइन फाइन फाइन। मोंटी। हाय डैड। हाय।
बेटा बहुत हो गया ऐशो आराम, बहुत हो गई तुम्हारी अय्याशी। अब अपने भाई विक्की की तरह हमारे धंधे में दिलचस्पी लिया करो, ओके? डैड, ये आपके छोटे मोटे धंधों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा ये कारोबार छोटा मोटा है, तो तेरे हिसाब से बड़ा धंधा क्या है मांटे? ड्रग्स का। ड्रग्स का? यस डैड। डैड, आप अपने बिजनेस में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितना आप ड्रग्स के बिजनेस में कमा सकते हैं। चलो मान लेते हैं, तुम्हारे कहने पर हम ड्रग्स खरीद देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? हमारे पास कोई डीलर तो है नहीं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, बेचेगा कौन? डैड, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं। हाँ, ड्रग्स के ऊपर रिसर्च जरूर किया है और बहुत से ड्रग डीलर से दोस्ती भी है मेरी। आप सिर्फ माल खरीदिए, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शाबाश मोंटी भंडारी, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है। थैंक्स डैड। ओके डैड। अच्छा डैड, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मोंटी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? लेकिन ये तो मैं नहीं हूं। ये बॉडी मेरी है, लेकिन ये चेहरा मोंटी का कैसे? तुम्हारे चेहरे पर ये चेहरा हमने लगाया। जिस भंडारी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तुमने उसी के बेटे का चेहरा मेरे चेहरे पे लगा दिया? बोलो, ऐसा बदला क्यों लिया तुमने? देखो बाबू, बदला तो ये लेना चाहता था भंडारी से। हाँ मियाँ, देखो अगर भंडारी को पता चल जाएगा कि तुम अभी तक जिंदा हो तो तुम क्या समझते हो कि वो तुमको छोड़ देगा? नहीं, वो तुमको जान से मार देगा। भंडारी तुम्हारी मौत की खुशी मनाएगा और तुम उसका बेटा बनकर उससे बर्बाद कर दोगे। ये काम तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि तुम भंडारी के लिए काम करते थे, इसलिए तुम मोंटी और उसके घर वालों को अच्छी तरह से जानते हो। भंडारी से बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी तो सुनी रह जाएगी। एक चेहरा ही तो था मेरे पास जिससे मैं राधा का प्यार पा सकता था। देखो बाबू, प्यार दिल से किया जाता है, चेहरे से नहीं। और वैसे भी वो चेहरा एक दीवार था तुम्हारे और राधा के बीच। जब भी वो तुम्हें देखती थी उसे अजय की याद आती थी। अब वो दीवार टूट चुकी है। अब जब वो तुम्हें देखेगी उसे तुम, सिर्फ तुम नजर आओगे।
अजय नहीं, भंडारी से बदला लेने के बाद राधा से तुम्हारी शादी होगी, यह बल्लू का वादा है तुमसे। मैं जानता हूं तुम राधा को कितना प्यार करते हो। वैसे भी राधा को जब मैं देखता हूं सफेद साड़ी में, जो मुझ पे गुजरती है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारी और राधा की शादी हो, तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओ। चेहरा तो बदल गया पर आवाज। अरे यार गाड़ी कहां पर किया मैंने? मिल गए। ये टायर की हवा किसने निकाल दी? अरे अच्छा, अब ये टैक्सी कहां मिलेगी यार? आ गई टैक्सी। ए टैक्सी, जू भंडारी आओ चलो। जल्दी आ गया घर? आ गया मियां, आ गया। उतरो उतरो, आ गया तुम्हारा जुहू भंडारी। आओ 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 आओ। अरे आराम से, काय को इतनी खराब पीते हो? आमा मियां वो फिल्म देखी थी ना सत्ते पे सत्ता, उसमें अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था? उसने बोला था दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। तुम्हारा लिवर खराब हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तुम्हारे लीवर को थोड़ी पंपिंग करनी पड़ेगी। मैं करूंगा पंपिंग तुम्हारे लीवर की। अबे ये तू मेरे को किधर लेके आ रहे? कहीं नहीं, तेरे अब्बा हजूर के घर में लेकर आया हूँ। अबे तू जानता नहीं मैं किसकी औलाद हूँ? हाँ जानता हूँ, अच्छा तरीके से जानता हूँ। तू एक बहुत बड़े हरामी की औलाद है। अगर मैं अपने घर नहीं पहुंचा ना तो मेरा बाप पूरे शहर में आग लगा देगा। घर तो मोंटी जरूर पहुंचेगा, लेकिन तुम नहीं। ये नशे में हूं या शीशा देख रहा हूं? कि नहीं, तू सच्चाई देख रहा है? चल कपड़े उतार। लेकिन क्यों? उतारता है या दूं? अमामिया कपड़े उतार दो, नहीं तो और बहुत मारेगा ये। उतारता हूं, निकालता हूं। चल बेटा,
बन जा मोंटी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बराबर साहब, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए साहब। मोंटी बाबा। हेलो मोंटी। मोंटी की आवाज में बात करनी पड़ेगी। यस डैड। मोंटी तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब मुझे नहीं पहचाना। बैठो बैठो बैठो। बैठता हूँ भंडारी। हाँ, तूने ये डिसाइड कर लिया है कि तुझे हमारे कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू ड्रग्स का धंधा करेगा। वो क्या है डैड कि ड्रग्स के धंधे में प्रॉफिट बहुत है और आपका धंधा ऐसा है कि सारे करप्ट ऑफिसर्स आपके खरीदे हुए हैं जो आपको कभी पकड़ते ही नहीं है। लेकिन अगर इन ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो गया और इनकी जगह पर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया ना, तो आप सब लोग पकड़े जाएंगे और सारा काम चौपट हो जाएगा। मोंटी, तेरा बाप उनका भी बाप है। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स और विधवाओं और सताए हुए लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोलूं। मेरे हॉस्पिटल में मरीज कम और मेरे वो शूटर्स ज्यादा होते हैं जो जेल से भाग कर आते हैं, और मेरे अनाथ आश्रम में हथियारों का जखीरा छिपा होता है। सारे हथियार वहीं से सप्लाई होते हैं। बहुत शातिर हो भंडारी। वाह डैड, आप वाकई बहुत शातिर आदमी हैं। काम की बात की जाए, मैं ड्रग्स का ऑर्डर दे दूं ना तो डीलर से बात कर लेगा? हाँ जरूर कर लूंगा डैड। ओके डैड, अभी मैं सोने जा रहा हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा जा, जा जाकर सो जा, सुबह बात करते हैं। जा। अब ये साले मोंटी का कमरा कहाँ है? ऊपर ही होना चाहिए। हाँ बेटा जा, शाबाश, गुड नाइट। जी जी हाँ। हाँ तो फिर हो जाए। हाँ हाँ साहेब, इसकी चाल है, चल चल। लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, साला कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अरे मोंटी, क्यों इतनी शराब पीता है? बाघ मारे, इसे उठाकर इसके कमरे में जाकर छोड़ा। हाउ साहेब हाउ। अरे अरे मोंटी बाबा, काय करते तुम्ही? उठा 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 इसे। चल 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 चल। अरे बहुत फीलिंग है। संभाल के संभाल के संभाल के, आहिस्ता संभाल के। अरे उधर उधर नहीं, इस तरफ इस तरफ। मेरे कमरे में लाया ना। आहिस्ता थांबा थांबा, आहिस्ता थांबा। इधर जा। आओ आओ। हाँ तुझा इला दारू पी के गिरता है, दम निकाल दिया। तो ये है मोंटी का कमरा। अंकल। अरे मोना, तुम तो मोंटी के साथ नहीं आई, पहले वो आया और अब तुम आ रही हो। 5 घंटे से मैरिट में उसका इंतजार कर रही हूँ और वो घर आ गया। कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में है। मुझे परेशान करके वो आराम कर रहा है, अभी ठीक करती हूँ। हाँ लेकिन जरा प्यार से ठीक करना। मोंटी मोंटी, लगता है कोई आ रहा है। मोंटी वेयर आर यू? मोंटी मोंटी, कौन हो तुम? अच्छा मैं कौन हूँ? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ थे?
5 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ये कहीं मोंटी की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? ओह डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो क्या है कि कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए घर चला है। अच्छा, नशा उतारना मुझे खूब आता है। What is this? अरे मेरे हाथ को बांध के रखे हुए हैं। कौन है यहाँ पे? What the hell is going on here? Damn it! कौन है? मामिया कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन कसूरवार मिलता भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे जैसे बेगुनाह के हाथ पांव बांधकर कुर्सी से बांध दिया जाता है। यही तो हो रहा ना पूरी दुनिया में। भूख लगी है मियां, एक काम करो, थोड़ा खाना खा लो। ये क्या है? ये खाना है और क्या है? ऐसा खाना तो मेरा कुत्ता भी नहीं खाता। अच्छा, लेकिन तुमको यही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि मियां इस वक्त जो तुम्हारे दिन चल रहे हैं ना, वो कुत्ते से भी बुरे चल रहे हैं। लो, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके दिन बुरे चल रहे हैं। देखो मियां, अगर तुमको भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है, हमें तो बहुत भूख लगी है, हम तो खाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद तुम कुत्ते की तरह इसी खाने के लिए तरसोगे। हमा मियां, तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इतनी गंदी नजरों से क्या देख रहे हो कि मेरा पेट ही खराब हो जाए? और वैसे भी भूखे की नजर बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। अमा मियां, थोड़ा क्यों, पूरा खाना खाओ। पहले मेरे हाथ तो खोल दो यार। हाथ खोल दूं ताकि ये डंबल वाले हाथ मेरे सर पर पड़े? नहीं अमा मियां, तुमने वो फिल्म देखी थी छोले? उसमें एक ठाकुर था संजीव कुमार, उसके दोनों हाथ कट गए थे, फिर भी वो खाना खाता था। तुम पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ। ऐसे खाता था, कोई और उसको खाना खिलाता था। मुकुल मुकुल, आज से मैं तेरी माँ हूँ। काका काका का, इतने प्यार से तेरी माँ ने भी नहीं खिलाया होगा ना। देखो, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर छोड़ने की बात? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे मत छोड़ो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जानते नहीं मेरा बाप मुझे ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा, और उसके बाद तुम उसके हाथ से खाना। अमा मियां, कौन से ख्वाब में जी रहे हो? तुम अगर 25 साल भी अपने घर नहीं गए ना, तो तुम्हारा बाप इधर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि तुम गायब हुए हो। तुम्हारा एक चेहरा यहां है, तुम्हारा एक चेहरा वहां है, यानी कि चेहरे पे चेहरा, दो चेहरे। उतारता है या तू? उतारता हूं, निकालता हूं। इसका मतलब मेरे हम शक्ल ने मेरी जगह ले ली। Ah!
के बाद एक हमारे सारे अड्डों पर पुलिस का छापा पड़ चुका है, हमारे ड्रग्स भी पकड़े गए, बर्बाद और तबाह हो गए हो। समझ भी नहीं आता बैद, समझ भी नहीं आता, आखिर 20 साल से हमारे अड्डे चल रहे और पुलिस को भनक तकी हुई। वो गद्दार कौन हो सकता है जिसने पुलिस को खबर की है? कौन? भंडारी साहब, भंडारी साहब, पुलिस फोर्स किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। देशपांडे, सच सच बताओ कि पुलिस को खबर किसने दी है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही तो बताने आया हूं साहब। क्योंकि पुलिस फोर्स गिरफ्तारी का वारंट लेकर आपको ढूंढ रही है, अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात और कि आपके कारनामों और नंबर 2 के अड्डों की डिटेल्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को जिस नंबर से मिली है वो फोन नंबर ये। नंबर? हाँ, यही नंबर है। भंडारी साहब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब इसके पहले कि कोई मुझे यहां देख ले मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि पुलिस फोर्स किसी भी वक्त यहां भी आ सकती है। गुड लक। हां, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ जाते हैं। अब देखते जाओ भंडारी क्या क्या होता है। क्या बात है डैड, ये फोन नंबर किसका है? ये नंबर हमारे घर का है। इसी नंबर से पुलिस को सारी डिटेल्स दी गई थी। कौन हो सकता है, आखिर ये गद्दार है कौन? मैं समझ गया कि ये गद्दार कौन है। महिला, और मैं उसे अभी और इसी वक्त खत्म करूंगा। कौन है वो मोंटी? हमारे सारे धंधों और अड्डों के बारे में या तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं, और हमारे अलावा ये हरामखोर जानता है। देवा रे देवा, ये भंडारी साहब, ये काय मर तो ये आई शपथ भंडारी साहब, भी भाग मारे खोटा काम नहीं करत। समझाओ इसे, पैसा करेगा क्या? पैसा करेगा? करेगा नहीं, किया है, क्योंकि जिस रूम का ये नंबर है उसमें हमारे अलावा सिर्फ ये जाता है। तो और इसका अंत है, इसकी मौत। भंडारी साहब, मला बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया भंडारी साहब, मैंने कुछ। गद्दार की यही सजा होती है। गद्दार वो नहीं है डैड। ये यहां कैसे है? गद्दार ये है जो आपके सामने खड़ा है, मेरा हमशक्ल। ये मेरा हमशक्ल भेजकर वो हमें पकड़ने की कोई चाल चल रहे हैं। नहीं डैड, मैं ही आपका असली मोंटी हूं। इस हमशक्ल ने मुझे किडनैप करवा कर रखवाया था, और ये मेरी जगह आकर आपको भी बर्बाद इसी ने किया है। डैडी, ये पुलिस का आदमी है, ये हम लोगों को बातों में उलझाकर गुमराह कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मोंटी, रुको, इसे तो जल्दी नहीं मारेंगे। कहने दो इसे, क्या कहना चाहता है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इसे अभी और इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूं। विक्की भैया, आप समझाइए ना डैडी को। डैडी, मैं मोंटी हूं, मैं ही आपका मोंटी हूं। आपके हाथ में जो रिवॉल्वर है, आप गोली मार दीजिए इसे, गोली मार दीजिए। होश में रहो डैडी, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना।
बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है। ये बाप के हाथों बेटे का खून करवाकर आपको कमजोर बना देना चाहता है ताकि आप आसानी से पकड़े जाएं। डैड ये सही कह रहा है, इसे गोली मार दो। नहीं डैड, मोंटी मैं ही हूं। जरा जरा आप सोचिए, इसके आने के बाद ही आप बर्बाद हुए। डैड डैड मुझे तो लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। इसे गोली मार दो प्लीज, जल्दी से इसे गोली मार दो। डैड आई एम श्योर ऑफ इट डैड, पक्का पक्का। दोनों सच सच बताओ कि असली मोंटी कौन है। मैं हूं डैड। नहीं डैड, मैं हूं डैड। डैडी आपको बातों में उलझाए रखना चाहता है ताकि यहां पे पुलिस आ जाए और हम सब गिरफ्तार हो जाए। ये भी हो सकता है। डैड ये सही कह रहे हैं, इसे गोली मार दो। नहीं डैड, इसकी सच्चाई सामने आ सकती है, इसीलिए ये पुलिस का नाम लेकर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करा। डैड डैड ध्यान दीजिए, अब ये फाइनल बात है, ये सही कह रहे हैं, आई एम श्योर ऑफ इट, इसे गोली मार दो। डैड इसे गोली मार दीजिए। पुलिस यहां कभी भी पहुंच सकती है। एक काम करते डैड, पुराने गोदाम में चलते। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है ठीक है, इसे भी ले चलते हैं। ए चल डैड, वो ए शट अप, कम ऑन। ये है आपके हथियारों का गोडाउन, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ही आपका मोंटी हूं। डैड ये सही कह रहे हैं, इसे गोली मार दो। मार दूं? डैडी आप इस चालबाज की बातों में बिल्कुल मत आना। अरे जब पुलिस को इस गोदाम के बारे में पहले से ही पता चल गया है तो इसे भी इस गोदाम के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। वेरी गुड मोंटी, वेरी गुड। डैड अगर गौर किया जाए तो यह भी तो सही कह रहे हैं। अगर आपको अभी यकीन नहीं आया तो आप आइए, मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही आपका मोंटी हूं। बाय मेरे भाई के डुप्लीकेट। मुझे ये तो पता चल गया कि ये मेरा बेटा मोंटी है, पर तू कौन है? तेरी बर्बादी और तेरी मौत। आरामजादे मेरे घर में रहकर मुझे बर्बाद करना चाहता था, मेरे बेटे को मेरे हाथों से मरवाना चाहता था। सच सच बता के तू कौन है, कौन है तू? वो मैं बताता हूं। उठ उठ, yeah.
वाह बाबू वाह, मोंटी को तेजाब में फेंककर भंडारी का खानदान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया तुमने। ये सब क्या हो रहा है और तुम कौन हो? ये मोंटी है, भंडारी का बेटा। अफसोस इस बात का है कि मैं एक मुजरिम का बेटा हूं और अब तो उनके गुनाहों का अंत भी हो चुका है और मैं अपने बाप का नाम अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा चुका हूं और मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है उसे मैं अनाथ आश्रम के नाम करना चाहता हूं। वाह, आज से मैं अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता हूं, अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूं, शराफत और ईमानदारी की। तुम्हारी उस नई दुनिया को मैं अपने हाथों से बसाऊंगा मोंटी, और उस नई दुनिया में तू अपनी राधा के साथ कदम रखेगा।